अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको मुंद्रे दिखाने लगा हूँ। मुंद्रे के बारे में मेरे भाई मैं आपको ना कुछ मालूम आपको डिटेल आपको तफसील बताना चाहता हूँ को खुराक के मुतल्लिक। काफ़ी दोस्त और मुझसे पूछते रहते हैं यार यूसुफ भाई हमें पता नहीं है, हम मुंद्रे लेके आते हैं और हमें पता नहीं है इनको डालना क्या है। खुराक के मुतल्लिक मेरे भाई मैं आपको इनकी पूरी तफसील आपको बताता हूँ। जो इनकी सबसे अहम खुराक होती है वो क्या खुराक होती है, वो कहाँ से मिलती है, कब इनको डालना होता है, दिन में कितनी बार डालना होता है, सारी ना ये तफसील मेरे भाई आपको डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह मेरे भाई हम आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, गाइड करेंगे, क्योंकि जानवरों के मुतल्लिक हम पूरी और मालूमात हम आपको देंगे ताकि आपके जानवर जो है ना ईजी तौर पर पाल सकें, आप बहुत मुनासिब ख़र्चे में आप इनको पाल सकें। बहुत लोग हम यार जो यहाँ से जानवर लेके बहुत हैवी भी उनको खुराक डालते हैं, जब उन्हें पहली बार पहले उन्हें कभी खाई नहीं है गिज़ा, वो अगर आप मेरे भाई याकदम गिज़ा चेंज कर लेते हैं ना वो जानवर गिज़ा नहीं खाता। गिज़ा चेंज करनी होती है ना आहिस्ता आहिस्ता चेंज करनी होती है। आप कहते हैं यार हम अच्छी न अच्छी गिज़ा देने लगे हैं फिर भी नहीं खा रहा, मेरे भाई जब उसने पहली बार देखे ही नहीं है, जब खाया ही नहीं वो कैसे खाएगा। यकदम गिज़ा इसकी चेंज नहीं करनी होती, आहिस्ता आहिस्ता गिज़ा इनकी चेंज करनी होती है, वो भी मिक्स करके गिज़ा चेंज करनी पड़ती है। वो ना मैं आपको सारी बात आपको इसी हवाले से मेरे भाई आपको बताता हूँ, बाकी मुंद्रे भी मैं आपको बताता हूँ। और जो शौकीन भाई हैं, जो कारोबार करना चाहते हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, और उनके हवाले से भी मैं आपको रेट वगैरह और सारी मालूम मेरे भाई आपको दूँगा। मेरे भाई इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और जो शौकीन भाई हैं, जहाँ गोट फार्मिंग करना चाहते हैं भेड़ों की बकरियों की, जा मुंद्रे लेना चाहते हैं, बकरा लेना चाहते हैं, खसी बकरा, राजमपुरी, अबला, मक्खी, चीना, किसी भी तरह का जानवर लेना चाहते हैं ना, आप मुंद्रा कोट फार्म पर आप आएँ, इंशाल्लाह आपको हर तरह का यहाँ से इंशाल्लाह आपको जानवर मिल जाएगा। बाकी ये लाट मेरे भी आपको मुनासिब पैसे में आपको इंशाल्लाह देने लगा हूँ। रेड सुनने में इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। देखो मेरे भाई जो यहाँ के हम ओरिजिनल रेट हम आपको बताते हैं ना, जो यहाँ के रेट होते हैं वो हम आपको ओरिजिनल बताते हैं। एक तो जाके ना मंडी पे हम खुद मालिक नहीं बन सकते, जैसे जाके देखते होंगे पूरी मंडी के ना एक आदमी मालिक बन जाता है, वो रेट बताता रहता है, इनका ये रेट होगा, इनका ये वज़न होगा। आप 40,000 का मुंद्रा ले जाएं, आगे आप इस पर 1,00,000 रुपये का सेल कर दें, ऐसे लोग बहुत हैं मेरे भाई, आप उनसे होशियार रहना होगा मेरे भाई। बाकी बकरियों के हवाले से भी लोग ऐसे बताते हैं, आज 30,00,000 की बकरियाँ ले लें, ये 6 महीने के बाद 70,00,000 की हो जाएंगी। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, लेकिन इनमें मुनाफा है, जायज़ है, बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है। आप बरकत समझ के सुन्नत समझ के काम करेंगे ना इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर सोचेंगे यार हम 30,00,000 कमा लेते हैं, 15,00,000 लेते हैं, 10,00,000 का लेते हैं, हमारे पास कुछ दिन के बाद ना हमारे पास इतना का माल हो जाएगा, ऐसी सोचना मेरे भाई, सिर्फ ये सोचना यार ये माल ले के आए हैं इंशाल्लाह पाक इसमें हमें रोज़ी देगा। मुनासिब चीज़ यहाँ से लेके जाएँ, इंशाल्लाह आपका दिल खुश होगा। जानवर जहाँ पे से लें, आप पहले वैक्सीन शुदा जानवर लें, एक्टिव लें, इंशाल्लाह डब्बा लड्डी में जानवर हो, खूबसूरत जानवर हो। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में जो डिमांड है ना, और सबसे ज़्यादा किस जानवर के खूबसूरती की ज़्यादा डिमांड है मेरे भाई, खूबसूरती वाला जानवर लेके जाएंगे उसमें आपको फ़ायदा होगा, उसके रोज़ी भी आपको मिलेगी, लेने वाले भी ज़्यादा होते हैं। बाकी बैक कैमरे से आपको डिटेल आपको बताता हूँ, इनके रेट वगैरह भी देता हूँ, खुराक के मुतालिक भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मेरे भाई ये देख लें, और इनकी ग़िज़ा के बारे में ना आपको बता रहा था, इनकी ग़िज़ा कौन सी है जो सबसे अहम ग़िज़ा होती है, जो आप ये ग़िज़ा को कोई समझते नहीं, आप कहते हैं यार ये इनकी ग़िज़ा ये बेहतर नहीं होगी, हम इससे मज़ीद अच्छी ग़िज़ा डालें। देखिए मेरे भैया ये जो ग़िज़ा है ना, सबसे पहले आप देख रहे होंगे आपको भी पता होगा ये कौन सी ग़िज़ा है, नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो जो दोस्त ना जाम रखे हुए ना उनको पता है और ये कौन सी ग़िज़ा है। मेरे भाई ये जो ग़िज़ा है ना, इनके सबसे पहले ये ग़िज़ा इनके जिस्म का पानी पूरा करती है। अगर ये जानवर आपके सामने कैसे शौक से खा रहे हैं, अगर आपके पास जानवर है ना, आप ये ग़िज़ा जो ना लाजम डाला करें। अगर ज़्यादा अहम ग़िज़ा डालते हैं, ज़्यादा मोटापे वाले ग़िज़ा डालते हैं ना, वो ऐसा ऐसा डालें यकदम आप ग़िज़ा चेंज नहीं करनी होती, यकदम ग़िज़ा चेंज करेंगे ना मेरे भाई जानवर खाना छोड़ देगा और भूखा रहेगा, फिर मसला बन जाएगा जानवरों के लिए। बाकी अच्छा देखें, अगर मज़ीद भी आप मालूम ग़िज़ा के मुतल्लिक आप मज़ीद भी मालूम लेना चाहते हैं ना, हमसे राय ले सकते हैं, आप हमसे मालूम ले सकते हैं, लाजम नहीं आप जानवर हमसे लेंगे तो हम आपको मालूम देंगे ना, तो वरना नहीं देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमने आपको पूरी तफसील हम आपको डिटेल मेरे भी आपको बतानी है,
ताकि देखे हमारी वीडियो आप देखते हैं, हमारी वीडियो देख देख के तो आपको शौक पैदा हो जाता है। साफ बात है, हमने आपको गाइड करना है, आप मेरे भाई इसी तरह के जानवर रखें। ऐसे जानवर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ऐसे जानवर की बहुत कम डिमांड होती है। जो गरीब भी खरीद सके, जो अमीर भी खरीद सके, हर आदमी की रेंज हो, वो जानवर आप रखें। अगर अपनी मर्जी करेंगे मेरे भाई, आप नए बंदे हैं, पहली बार काम करते हैं ना मेरे भाई, अपनी मर्जी वाला बंदा कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। लाजम नहीं मुझसे मशवरा लें, आपके जो बड़े हैं ना, बुज़ुर्ग हैं, या कोई काम करता है ना इस चीज़ का, आप उससे मशवरा लें यार हम किस तरह का जानवर रखें जो फौरन सेल हो जाए, हमारे डेरे भी सेल हो जाए, हमें मंडी में जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। देखें जो साइज़ सबसे पहले आप जो साइज़ देख रहे ना, ये साइज़ आप ख़रीदें, इस साइज़ की बहुत ही ज़्यादा और डिमांड है। इनको गरीब भी ख़रीद सकता है, अमीर भी ख़रीद सकता है, और ये जाते वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह इन जानवरों को आप सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता मेरे भी आप 30,000 का लेके जाएं, आप 1.5 लाख का सेल करें, 1 लाख रुपए का सेल करें, ऐसा नहीं है मेरे भाई। इनमें बरकत है, सुन्नत है, इनमें रोज़ी जायज़ मिलेगी मेरे भाई। और ये जो बहुत लोग करते हैं ना, मेरे इतना इतना रोज़ी मिलेगी, वो लोग धोखा देने के लिए, आपको खींचने के लिए, एक आदमी नया बंदा होता है, ये पहली बार आ जाए, इनके साथ जो करे कर लें। देखिए मेरे भाईजान, मगर मुझसे जानवर ना भी लेना, आप जब मेरी बात पूरी सुन लेना। और अच्छा, मैं तो आपको तादाद के बारे में पहले बताता हूँ, टोटल तादाद के हिसाब से मैं आपको 20 जानवर आपको दिखा रहा हूँ, 20 जानवर। और आपके सामने मुँह से क्या है, मुँह से भैया ये जो है ना, 2 दांत भी हैं, खीरे भी हैं, ये समझ लें 50 2 दांत है, 50 जो है ना जानवर खीरे हैं, एक्टिव जानवर है मेरे भाई। आपको मैं गाँव के जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ, बहुत लोग जो होते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे लेके आगे जाके मंडी में व्यापारी लोग सेल करते हैं, 2 2 4 4 करके ना, कुछ वो भी रोज़ी कमा लेते हैं। साफ बात, अगर मेरे डेरे पे आएंगे, जब बड्डू भाई के डेरे पे आएंगे ना, आपको जानवर मुनासिब और वारे का मिलेगा मेरे भाई। बाकी पाकिस्तान के जितने भी गोट फार्म है ना, ये मैं आपको लाजमी आपको वीडियो में बात बताऊँ, जो दूसरे रेट देंगे ना, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम कई गुना में आपको कम देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर काम ही मुंद्रे का कर रहे हैं। जब मुंद्रे का काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कितना हमारे पास मुंद्रा होगा, भेड़ें होंगी, जो हर रोज़ के एक एक दो दो तीन तीन वीडियो दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं ना, साफ बात है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तादाद के हिसाब से जानवर है ना। अच्छा, इनमें मैं लाखे की और कक्का की आपको बात बताता हूँ, और कक्का कौन सा होता है, लाखा कौन सा होता है। ये जानवर देख रहे हैं ना, ये गुलाबी और पिंक देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं हम कक्का। काफ़ी दोस्तों को पता नहीं होता, वो कहते हैं यार मैं कक्का जानवर देखा है, कौन सा होता है ये, मेरे भाई आप देख लें और जेन में बात रख लें, ये इस जानवर को हम कहते हैं कक्का, ये कक्का बिल्ला होता है। और दूसरा लाखा कौन सा होता है, लाखा मैं आपको जानवर आपको दिखाता हूँ, ये लाखा खड़ा हुआ है, ये जानवर लाखा है और इसको हम कहते हैं लाखा। लाखे की पहचान क्या है, मैं आपको लाखे की पहचान भी आपको बताता हूँ। लाखे की पहचान आप देखें, जहाँ से ब्लैक नज़र आ रहा है ना, यहाँ से अगर जानवर ब्लैक है तो वो लाखे में शुमार होता है, अगर बिल्कुल वाइट और पिंक है ना, वो कक्के में शुमार आता है मेरे भाई। जानवर आपके सामने हैं, जो दोस्त कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहता है ना, हमसे रब्ता करके इंशाल्लाह आप आएँ, अब मुनासिब रेट में इंशाल्लाह जानवर लेके जाएं। ये भी मैं आपको हर वीडियो में मेरे भाई बताता रहता हूँ, अगर आप हमसे जानवर लें, क्या है जहाँ अपने शहर से मंडियों से करीब भी आप जानवर लें, अभी जो ईद नज़दीक आ रही है ना, इनके मज़ीद रेट बढ़ेंगे, नीचे नहीं आएंगे, ऊपर आएंगे, क्योंकि खरीदारी करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, एक एक मतलब लाट के पीछे 3 3 4 4 पार्टियाँ लगी होती हैं, फिर इनके रेट बढ़ सकते हैं। जो गरीब भाई हैं, जो 1 लाख से या 2 लाख से या 4 लाख से 5 लाख से काम करना चाहते हैं ना, उन भाइयों को मैं गुजारिश करता हूँ मेरे भाई, कहीं से भी जानवर लेना है ना, अभी से ले लें मेरे भाई, अभी से इंशाल्लाह आपको जानवर वारक और मुनासिब मिलेगा। अगर जाके मंडियों में जानवर लेके आते हैं ना मेरे भाई, आप देखते हैं लोग बताते हैं मुँह से 4 दांत है या 2 दांत है जानवर, वो होता खीरा ये, आप दांत चेक करें पहले उसके सबसे पहले, और चला कर टांगे से ही चेक करना होगा, अभी यार इनके टांगे को कोई मसला तो नहीं है, टेढ़ी तो नहीं है टांगे, क्योंकि जो कुर्बानी का जानवर होता है ना वो साफ़ सुथरा होता है, उसमें ऐब नुक्स वाला जानवर नहीं होना चाहिए। अगर ऐब नुक्स वाला जानवर है वो हटा दें मेरे भाई, जब पहले खरीदे ना वो ऐब नुक्स वाला जानवर। जो कम से कम जानवर की उम्र होनी चाहिए, कम से कम कुर्बानी पर जो लग सकता है ना तैयार होकर, वो 6 महीने का जानवर आसानी से लग सकता है। आप जो जानवर अभी ख़रीद रहे हैं ना, उनकी उम्र कम से कम ही मेरे भाई 8 10 महीने होनी चाहिए, कम से कम 10 महीने लगा दें, 10 महीने का जानवर होना चाहिए, क्योंकि 10 महीने के और साल के कष्ट में, जो 10 महीने का साल का जानवर होगा ना,
उसको ज़्यादा ख़रीदने वाले लोग होते हैं। ज़्यादा छोटा जानवर होता है या ज़्यादा बहुत हैवी होता है ना, उनका कस्टमर कम होता है, लेकिन खूबसूरत होते हैं लेकिन कस्टमर कम होता है। अगर रोज़ी कमानी है ना, यही शायद यही नस्ल रखे मेरे भी, इसमें इंशाल्लाह आपको रोज़ी मिलेगी, आपको अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा, आपका दिल भी खुश होगा। अच्छा मैं क्या मेरे भी, मैं आपको रेट बताता हूँ। सबसे पहले मैं लोकेशन बता दूँ, लोकेशन डेरा गाजी खान, जामपुर रोड, शोरिया पुल, मुंद्रा कोटपारा, ये मेरी लोकेशन है। नंबर मेरा वीडियो में मैच आ रहा होगा मेरे भी, इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके आप रब्ता करके आप आ सकते हैं। अगर इनमें आप एक लेना चाहते हैं, दो लेना चाहते हैं, तीन लेना चाहते हैं, या लाख लेना चाहते हैं, या इससे ज़्यादा इजाफी लेना चाहते हैं ना, आपको मिल जाएंगे। अगर मैं कार्गो का शेड्यूल बताऊँ मेरे भी, वो ये है, कार्गो आपको अगर करानी है ना, ज़्यादा बेहतरी है खुद आके ना देखभाल के चीज़ लेके जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतरी होगा। पहले कार्गो करवाएं ना, कार्गो करवाते हैं उसका ये होगा, वो इंशाल्लाह आपकी सोच जो आप वीडियो में देखते हैं ना, उससे आपको कई गुना इंशाल्लाह मेरे भाई जानवर आपको खूबसूरत और अच्छा भेजेंगे, क्योंकि आप हमारे ऊपर इतमार भरोसा कर रहे हैं, इतमाद कर रहे हैं ना, साफ बात है हम भी आपको अच्छी चीज़ देंगे, ताकि आपका दिल भी खुश हो, यार वाकई हमने किसी से चीज़ मंगवाई, हमें अच्छी चीज़ भेजी, हमारी सोच से भी अच्छी भेजी है। लेकिन रेट जो होगा ना, वो उसी के जानवर के मुताबिक होगा। मुंद्रा जो होता है ना, इनके वज़न के हिसाब से जहाँ रेट नहीं होते, इनके नस्ल के हिसाब से रेट होता है। काफ़ी दोस्त कहते हैं यार इतने केजी का जानवर कितने का मिलेगा, मेरे भाई इनके नस्ल के मुताबिक होता है, वज़न के हिसाब से जानवर नहीं होता, इनके खूबसूरती के मुताबिक होता है। सदके वाला जानवर जब काटू जानवर होता है ना, वो वज़न के हिसाब से होता है। अच्छा मेरे भाई, ये मैं आपको बात शेयर कर रहा था, मैंने कहा इनका मैं रेट मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, रेट जो इनका होगा। अच्छा एक और बात, कार्गो लेंगे, कार्गो का ये शेड्यूल का पेमेंट आपको पहले देनी पड़ेगी, फिर मैं आपको कार्गो भेजूंगा, ऐसा वरना नहीं भेजूंगा मैं। और काफ़ी दोस्त कहते हैं यार आप जानवर हमें भेज दें, जानवर मिलेगा हम आपको पेमेंट लगवा देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है, आप आ जाए खुद अच्छी बात है, नहीं तो पेमेंट पहले भेज दें फिर कार्गो भेजूंगा, क्योंकि मेरी लोकेशन है, मेरा डेरा है अलहमदुल्ला अपना, आप आ जाए अच्छी बात होगी। बाकी इनका रेट वगैरह है मेरे भाई बहुत मुनासिब रेट फाइनल होगा, उसमें कमी पेशी नहीं होगी, क्योंकि मैं काफ़ी मुनासिब रेट अलहमदुल्ला लगाता हूँ। और इनका वज़न, अच्छा मैं आपको बता दूँ, वज़न जो है इनका कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 50 kg और 60-65 kg इनका ज़िंदा वज़न है, ये इनका लाइव वेट और इनका वज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दूर से जो बनाने का मकसद होता है, इसमें जानवर आपको सही तरह से समझ आ सकते हैं। इनका जो रेट है सिर्फ आपको दोस्तों को देने का सिर्फ 45,000 के हिसाब से, 45,000 के हिसाब से मेरे भाई आपको लाट मिलेगी। जो दोस्त लेना चाहता है रब्ता करें इंशाल्लाह, टोकन बियाना लगवा दे, ये बाकी पेमेंट आप यहाँ पे आके कर लेना, आप पसंद के आप जानवर लेके जाना। रेट वगैरह मैंने बता दिया, अगर एक दो लेंगे तो फिर उनका रेट उनके मुताबिक होगा। बाकी ठीक है दोस्त मेरे, उम्मीद है मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई होगी। अगर आप दोस्त मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरा Facebook पेज आपने फॉलो नहीं किया हुआ, आप मेरा YouTube चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, मेरा Facebook पेज भी फॉलो करें, ताकि आगे मज़ीद भी आगे ऐसे इंशाल्लाह दिलचस्पी से आपकी वीडियो दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, आप हमें देखिए इजाज़त, बाकी नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपने दोस्तों को भाइयों को बहुत इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे।